नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं संडिया। हरदोई में बिना रजिस्ट्रेशन करवाए हॉस्पिटल का हुआ शुभारंभ। सीएमओ के निर्देश पर हॉस्पिटल सेज किया गया। हरदोई के सर्कुलर रोड स्थित न्यू संजीवनी हॉस्पिटल का शुभारंभ समारोह चल रहा था। हॉस्पिटल शुभारंभ के दौरान पहुंचे नोडल अधिकारी पंकज मिश्रा ने संजीवनी हॉस्पिटल को कर दिया सीज। इसके पूर्व में फर्जी हॉस्पिटल के संचालकों के हॉस्पिटलों पर हो चुकी थी कार्रवाई के नाम पर बदल कर आज किया था शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के डिप्टी राजेश पाठक के गृह जनपद के फर्जी हॉस्पिटलों का वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि हरदोई जनपद के सर्कुलर रोड पर आज न्यू संजीवनी हॉस्पिटल का शुभारंभ किया जा रहा था, जिसकी भनक स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर पंकज मिश्रा को लगी। सूचना मिलने के बाद नोडल अधिकारी पंकज मिश्रा मौके पर पहुंचे। पूछताछ के बाद छानबीन करने के पश्चात मालूम हुआ कि न्यू संजीवनी हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन चेक करने के बाद न्यू संजीवनी हॉस्पिटल को शुभारंभ के दौरान सील कर दिया गया। हरदोई में मरीजों की मौत से खिलवाड़ करने वाले इन फर्जी हॉस्पिटलों के ठेकेदारों के हॉस्पिटलों पर पूर्व में भी स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई कर चुका था, लेकिन इससे पहले लखनऊ रोड पर न्यू संजीवनी हॉस्पिटल के नाम पर फर्जी हॉस्पिटल चलाया जा रहा था। उस पर भी स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की थी, जिसके बाद इन्हीं फर्जी हॉस्पिटल के ठेकेदारों के द्वारा बांके बिहारी हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने उस हॉस्पिटल को महिला के मौत के उपरांत बंद करवा दिया था, जिसके बाद फर्जी हॉस्पिटल ने ठेकेदारों के द्वारा आज हरदोई जनपद के सर्कुलर रोड पर पुनः न्यू संजीवनी हॉस्पिटल का शुभारंभ किया जा रहा था। फर्जी हॉस्पिटल के शुभारंभ की सूचना जैसे ही हरदोई के स्वास्थ्य महकमे को मिली, स्वास्थ्य महकमे के नोडल अधिकारी डॉक्टर पंकज मिश्रा मौके पर पहुंचे। उन्होंने हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया। रिपोर्ट सोम प्रकाश पांडे, हरदोई। बाइट डॉक्टर मिश्रा, जोनल अधिकारी स्वास्थ्य विभाग हरदोई। आइए वार्ता करते हैं डॉक्टर पंकज मिश्रा जी से। कार्रवाई हुई आज। आज सुबह मुझे मीडिया के माध्यम से सूचना मिली कि एक चिकित्सालय का इनॉग्रेशन आज हो रहा है, जो पंजीकृत है अथवा नहीं उनके द्वारा पूछा गया था। मैं मौके पर पहुंचा और मैंने उसको पोर्टल पर चेक किया तो वो चिकित्सालय पंजीकरण नहीं था। उससे पहले आज उसका इनॉग्रेशन हो रहा था, मैंने उसको बंद करा दिया है, और क्योंकि उसका पंजीकरण नहीं था इसलिए उसको बंद करा दिया। क्या नाम है अस्पताल? न्यू संजीवनी हॉस्पिटल।